हेलो, मैं आरके सक्सेना एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज का मेरा वीडियो ये आपके करंट अफेयर्स पे है। वर्तमान में आपके 24 अप्रैल 2021 को हमारे नए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस नुथालपति वेंकट रमना ने जो है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली है। तो इस प्रकार से ये आपका करंट अफेयर का एक टॉपिक जो है वो चर्चा में आ गया है। तो इससे ना केवल आपके वर्तमान जो नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं उनका नाम पूछा जा सकता है, बल्कि उनसे संबंधित बहुत सारे फैक्ट जो है वो आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए हम उसी को चलते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है भारत के नए मुख्य न्यायाधीश। तो 24 अप्रैल ये डेट याद रखिएगा, 24 अप्रैल 2021 को जो जस्टिस नुथालपति वेंकट रमना, इनका पूरा नाम है, ये पूरा नाम भी पूछा जाता है जनरली। तो उन्होंने जो है वो भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है वो शपथ ली है। और इन्होंने किसका स्थान लिया, ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। तो इन्होंने हमारे जो है वो जो हमारे न्यायाधीश हैं जस्टिस जो वर्तमान निवर्तमान आपके मुख्य न्यायाधीश हैं एस ए बोबड़े का के स्थान पर जो है वो जस्टिस नुथालपति वेंकट रमना को जो है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई गई। और इसकी नियुक्ति, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 24(2) में प्रावधान है। तो नियुक्ति कौन किसके द्वारा की जाती है, तो नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसी प्रकार से राष्ट्रपति को ही जो है वो मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र भी दे सकता है। तो चलिए आगे चलते हैं हम। तो ये किस राज्य के हैं, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है आपका कि जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है हमारे कौन है आपके, जस्टिस नुथालपति वेंकट रमना, तो ये किस राज्य से संबंध रखते हैं, तो ये आपके आंध्र प्रदेश, किस राज्य से संबंध रखते हैं आपका, ये आंध्र प्रदेश से है। और इनके बारे में कुछ और जानकारी हम ले लें कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति को शपथ जो है वो कौन दिलाता है, वो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, तो भारत का राष्ट्रपति जो है वो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है। चलिए आगे चलते हैं। तो मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है, तो वेतन में हाल में ही संशोधन किया गया है। तो वेतन जो है मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है, 2,80,000, कितना है, 2,80,000 रुपये प्रतिमाह, 2,80,000 रुपये प्रतिमाह। इसके अलावा उन्हें अन्य आवास सुविधा है, वाहन सुविधा है, टेलीफोन सुविधा है, ये सुविधाएं भी उनको दी जाती हैं। और चलिए पद से हटाना, तो पद से किस तरह हटा सकते हैं, तो एक तरीका तो हमने बताया कि अगर मुख्य न्यायाधीश स्वयं अगर पद छोड़ना चाहता है तो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां हैं जबकि संसद जो है वो राष्ट्र मुख्य न्यायाधीश को जो है पद से हटा सकती है। तो मुख्य न्यायाधीश को पद से कौन हटा सकता है, एक क्वेश्चन आपका इस तरह के एग्जाम में आता रहता है, तो वो संसद है। और आधार क्या है, तो असमर्थता या सिद्ध कदाचार के आधार पर यदि मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध जो है वो प्रस्ताव पारित हो जाता संसद के दोनों सदनों में, तो इस तरह से भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है अपने पद पर नहीं रहेगा। और कार्यकाल की बात कर ले हम, तो कार्यकाल जो मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल जो है वो कितना है, 65 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, तो कोई भी व्यक्ति जो मुख्य न्यायाधीश के पद पर कब तक रह सकता है, तो 65 वर्ष की आयु पूरी करने तक रह सकता है। और ये अपने जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश बने हैं नुथालपति वेंकट रमना, तो ये कब तक अपने पद पर रहेंगे, तो कार्यकाल इनका बहुत छोटा है, तो 26 अगस्त 2022 तक ये अपने पद पर कार्य करते रहेंगे। तो इसको याद रखिएगा। और कुछ चर्चा में और चीज़ें आती हैं, जैसे कि हमारे उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे आपके हीरा लाल जे कानिया। और भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, ऐसा क्वेश्चन भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया है, तो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है आपके, हेम हिदायतुल्ला। अब एक क्वेश्चन आपका ये भी एग्जाम में आता है कि वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं,
वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हो सकते हैं, तो 34 न्यायाधीश। कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? 34 न्यायाधीश, जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी जो है वो सम्मिलित है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी जो है वो सम्मिलित है। तो एक मुख्य न्यायाधीश और प्लस 33 न्यायाधीश, और न्यायाधीश न्यायालय अपनी स्वतंत्रता रूपक काम कर सके, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बिना किसी डर के और काम कर सकें, इसलिए जो है वो उन पर जो है वो भारत के किसी भी न्यायालय में जो है वो वकालत नहीं कर सकते। लेकिन एक भारत में एक परंपरा जो विकसित हो गई है, बहुत गलत परंपरा है, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश को जो है कि हम किसी न किसी आयोग के अध्यक्ष, जैसे मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बना देते हैं या किसी राज्य का गवर्नर जनरल बना देते हैं। तो इस बात को लेकर के निसंदेह रूप से न्याय हमारी जो सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट, उसकी निष्पक्षता पर कहीं ना कहीं से प्रश्न उठते हैं। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि इस तरह के भी संविधान में प्रावधान किया जाए कि उच्चतम न्यायालय के जो भी रिटायर्ड न्यायाधीश हैं या मुख्य न्यायाधीश हैं, इनको किसी आयोग या गवर्नर जैसे पदों पर जो है वो इनको ना रखा जाए, बल्कि इनको इससे दूर रखा जाए ताकि बिना लालच के और निर्भीकता पूर्व जो है हमारा सबसे बड़ा अदालत सुप्रीम कोर्ट जो है काम कर सके। तो हमारा ये छोटा सा टॉपिक भारत के मुख्य न्यायाधीश कैसा लगा आपको, हमने लगभग मोटी मोटी चीज़ें आपको सभी बताई हैं। हाँ, एक चीज़ हम भूल रहे थे आपका कि किस क्रम के थे, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है अभी, तो किस क्रम के थे आपके, किस क्रम के मुख्य न्यायाधीश होंगे ये, तो 48वें क्रम के होंगे। किस क्रम के होंगे? 48वें क्रम के होंगे। इसलिए पूछ सकता है कि आपने जो मुख्य न्यायाधीश रिटायर्ड हुए हैं वो किस क्रम के थे, तो उनका क्रम क्या आपका था, एक इससे हम कम कर दें, तो 47वें मुख्य न्यायाधीश थे वो, 47वें मुख्य न्यायाधीश थे। वर्तमान में जो आपके जस्टिस नुथालपति वेंकटरमणा, किस क्रम के हैं आपके, 48वें मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। तो मैं आर के सक्सेना अगले वीडियो तक आप सभी लोगों की सेहत की शुभकामना करते हुए, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और बहुत सारे लोग निराश हैं, तो हमारा यही इसमें कोरोना काल में यही आप लोगों को राय देता हूं कि आप लोग बिल्कुल निराश ना हो, बल्कि समाचार पत्र है, टीवी है, जिसमें छोटी छोटी घटनाओं को बढ़ा बढ़ा कर दिखाया जा रहा है, तो उन्हें देखने से बचें और अपने आप को कहीं ना कहीं दूसरे कामों में, बहुत सारे रचनात्मक काम हो सकते हैं, बहुत सारे हम आपकी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो हम उस कंपटीशन की तैयारी में जुड़ जाएं, तो इस तरह से हम अपने को अधिक से अधिक बिजी रखेंगे तो निसंदेह रूप से जो हमारे ऊपर जो एक निराशा हमको घेर रही है तो उससे हम जो है वो बच सकते हैं। तो मैं आर के सक्सेना एक्सलेंस मास्टर माइंड कोचिंग रीवा के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों से जो है वो विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।